एक्सक्यूज मी हाय बरातियों आ जाओ भाभी मिल गए बड़ी। अबे तीन लड़कियां जा नहीं रही है, लास्ट में आ जा और वहां पे जो है ना तीन लड़कियां बैठी हुई बहुत ही प्यारी प्यारी। परी लोग दिखाता हूँ, मुझे मुझे यकीन होगा कि ये जगह जो है परी लोग से कम नहीं है। अरे मैं यहीं बैठा हूँ जहाँ पे थोड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां बैठी हुई है, तीन लंडे प्यारी लड़कियां बैठी हैं। अबे अरे भाई अरे मेरे भाई यहीं पे और दो बच्चे, मतलब बच्चे भी बैठे हुए, बच्चे नहीं है क्या पता बच्चे बैठे हैं। अरे आजा देख ले यहीं पे कौन सा। हाँ ओवेरा के जस्ट आ गई हूँ। तीन लड़कियां जा रही है बड़ी बड़ी। अबे तीन लड़कियां जा नहीं रही है, लास्ट में आ जा और वहाँ पे जो है ना तीन लड़कियां बैठी हुई बहुत ही प्यारी प्यारी। हाँ समुद्र के साइड जो है सर करके आ जा जल्दी। कहाँ पे है? क्या हुआ? अरे आ रहा हूँ ना। अबे गाली मत दे भाई। अरे क्या करूँ सुबह सुबह यार, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए देनी पड़ती है यार। चल ठीक है आ जा जल्दी। हाँ अभी एक लड़की मेरे को देख के हंस रही, भाई क्या करूँ बता। कट गया फोन। हेलो अबे देख एक लड़की ने मेरे को देख के ऐसा भी, इसको मैं क्या समझू बता। हाँ दूसरी वाली भी प्यारी है, आजा जल्दी दिखाता हूँ। भाई देवे एक भाई जो है ना मुझे घूर के देख रहा है। हाँ भाई जल्दी चार पांच लड़कों के लिए आइयो, ये भाई देख रहा है मुझे घूर के। हाँ एक तो फोन चला रही है बहुत ही प्यारी है। एक्सक्यूज मी मैम आपका नाम, नाम पूछता रुक जा, नाम क्या है आपका? तो क्या हो गया? दो बहन ऑलरेडी है, मैं नहीं चाहता तीसरी बन जाए। रक्षाबंधन के खर्चे बढ़ जाएंगे भाई। नाम क्या है? नाम नहीं है, बिना नाम के हो? Yes. चलो ठीक है, ओ बिना नाम वाली लड़की सुनो ना। हाँ वो बोल भी नहीं रही है कुछ यार, शर्मा रही है मुझे ऐसा लगता है। चल आजा जल्दी से। दोस्तों मेरे दोस्त लोग मुझे लेके आए, बोल रहे थे भाई एक जगह दिखाता हूँ और बोलते चलो परी लोग दिखाता हूँ। मुझे मुझे यकीन होगा कि ये जगह जो है परी लोग से कम नहीं है। What's your name? ओ, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। मजा आ रहा है? Yeah, obviously. सच में? और आपको, आप क्यों भाग रहे हैं? बचपन से? ओह माय गॉड, आपकी मम्मी भी ऐसी होंगी आपके जैसी? ओह माय गॉड, पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की से बात कर रहा हूँ। लड़की को बोलते हो ना, कितने लोगों को? कितने? नहीं मेरी आईडी देख लेना, आपको पता चल जाएगा कितनी लड़के से बात कर रहा हूँ। हाँ आप कहाँ जा रहे हो? जाहिर आता मेरे पिछले ब्लॉग में एक लड़की आई हुई थी जो मुझे अभी मिल गई है। अरे सुनो ना मैं आपसे पूछना चाहता था, एक्चुअली क्या था ना मेरे एक साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम ये है, रुको तो दो मिनट रुको तो सुनो, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना प्यार हो गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? प्यार वार बहुत खराब चीजें मत करो। तो आपकी उस दिन बॉयफ्रेंड लेके घूम रहे थे? बॉयफ्रेंड नहीं था वो। तो आपने ही बोला था, आपने मुझे मेरे ब्लॉग में आया, तो कौन था? कोई नहीं, दोस्त है मेरा। अच्छा तो मुझे प्यार हो गया, तो एडवाइस तो दो यार दोस्त के तौर पर। प्यार एक धोखा है, प्यार एक धोखा। तो मुझे होगा मेरे दिल का क्या करूँ अभी? दिल तोड़ के फेंक दो वरना वैसी लड़की तोड़ के जाएगी। क्यों? लड़की तोड़ के जाएगी दिल। अच्छा तोड़ के जाएगी, चलो फिर अच्छा बता आपने। ठीक है हाँ बाय, मिलते।
सो मेरी जान लड़की बोलती है, लड़की एडवाइस है कि मतलब प्यार वार कुछ नहीं होता खैर कोई। तो आज जो मैं दूल्हा बन के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और ये सब बराती हैं ये मेरे पीछे देख रहे। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। आज जो काफी ज्यादा मजा आने वाला है, ये लोग को मस्त दिखाएंगे, इनकी भाभी से मिलवाएंगे। भाई आप लोग मिलोगे ना आपकी भाभी से? किससे मिलने वाले आज? भाभी से मिलेंगे मेरी जान। तो आज भाभी के तलाश में आ गए हम लोग मरीन ड्राइव, और काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की को मैं ढूंढ रहा हूँ जो कि जो मेरी दुल्हन बनने वाली है। खैर चलते हैं। एक्सक्यूज मी, हाय बराती आ जाओ, भाभी मिल गए। दूसरी भाभी खोजेंगे, पीछे 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 भाई, पीछे पीछे अभी चल रहे भाई, आगे चल रहे वाले बराती लोग, पीछा नहीं छोड़ रहे कोई कुछ नहीं मेरी जान। ढूंढ रहे कोई अच्छी लड़की को। आ रहा था, हाय। अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी। इसलिए क्या था ना, मुझे सुबह सुबह सपना आया था कि आज मैं जो है ना सपनों की रानी से मिलने वाला हूँ। तो मैं फाइनली आगे आ गया, और मेरे सपने में आया था कि ब्लैक जींस पहन के आएगी, ठीक है, और फाइनली जाके मिल गया, और मैं ऑलरेडी दूल्हा बन के आ गया। पता ये देख रहे हो तुम्हारे लिए। तो दोस्तों फाइनली जाके मेरी दुल्हन मिल गई है, बरातियों।